हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवा एपी। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई देखिए, आज हमारे पास आए हैं हीरो मेस्ट्रो एज, जो स्कूटर होता है हमारा, वो स्कूटर आज हमारे पास आया है। और इसमें सर्विस के दौरान हमने एक बड़ी समस्या को देखा है और उसी समस्या को सही करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना है आप लोगों को, और आपको बताना है, अब मैं समस्या को दिखाऊंगा आप लोगों को, आपको बताना है अगर आप एक मैकेनिक हो तो, कि ये समस्या आपके नज़र में बड़ा है या छोटा, बस इतना कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहले जाके चैनल को भाई फटक से सब्सक्राइब करके, पास में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लो, और इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी देता रहता हूँ हर एक वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, पहले आपको जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, उसको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, व्हील और चेम्बर इन दोनों के बीच में आपको प्लेन नज़र में आएगा, प्लेन नज़र आएगा भाई, आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख पाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, और ये जो प्ले है भाई, ये कमेंट में बताना है आप लोगों को, ये जो दिक्कत है, अगर आप एक मैकेनिक हो, बाइक का काम करते हो, तो आपके नज़र में ये जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये छोटा है या बड़ा है, ठीक है। मेरी नज़र में क्या है क्या नहीं है भाई, सब कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा, ठीक है, और आप लोग समझदार हो, समझ जाएंगे। तो देखिए भाई, ये जो दिक्कत है मेन, ये दिक्कत को सही करेंगे आज हम ये हीरो मेस्ट्रो एज बाइक में, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक क्लच कटोरा, क्लच का जो टोटल असेंबली है इसको निकालना पड़ेगा बाहर, और साथ ही में रेडिएटर को भी निकालेंगे। इसमें रोलर होता है, रोलर में थोड़ा थोड़ा साउंड भी निकल रहा है रोलर की वजह से, और बेल्ट का हालत देखिए, बेल्ट भाई इसका ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन बाद ही, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो बेल्ट है ये ख़राब होने पर जा रहा है, ओके। तो क्लच का जो असेंबली है उसको बाहर निकालेंगे, साथ ही में उसके साथ हम गियर चेंबर जो है उसको भी डिसअसेंबल करेंगे। तो पहले चलिए क्लच को और गियर चेंबर के बोल्ट को खोल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, हमारा जो क्लच है, वेरिएटर है, और गियर चेंबर के जितने भी बोल्ट है, सब कुछ हमने ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी गियर चेंबर को ओपन करेंगे, और उससे पहले आप लोगों को दिखा दें कि इसमें मैल भाई, डस्ट कितना है, और भाई लोग इसी के साथ साथ आप लोगों को दिखाते चलेंगे कि इसका जो क्लच वेरिएटर है वो कैसा है, ठीक है। तो देखिए, क्लच वेरिएटर का जो हालत हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि इसमें पहले भी काम हो चुका है भाई, ठीक है, क्योंकि ये जो रोलर होता है ना, इसमें रोलर के नीचे छोटा छोटा टुकड़ा में इसमें पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, मेन जो दिक्कत है भाई, उसको थोड़ा सा फोकस करते हैं हम लोग, जिस प्रॉब्लम के वजह से हमारा गियर बॉक्स खुल गया है, ओके। तो देखिए, ये जो दिक्कत है ये इस बियरिंग से है। तो चलिए, पहले आपको थोड़ा सा करीब से, थोड़ा सा डिटेल में, अच्छे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन बियरिंग होता है हमारा, इसी बियरिंग पे भाई जो पीछे का व्हील का जो जितने भी लोड है, मेन जो लोड पड़ता है इसी बियरिंग पे पड़ता है, ठीक है। और इसी बियरिंग अगर ख़राब हो जाएगा, ये बियरिंग अगर ख़राब हो जाएगा, तो आपका बाइक का तो भाई सत्यानाश, क्योंकि बाइक ज़रा सी भी नहीं हिलेगा उधर से, अगर ये बियरिंग टूट जाएगा तो। तो देखिए भाई, बहुत कोशिश किया है हमने बियरिंग को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इसका जो बड़ा वाला कॉलर है वो अंदर ही रह गया है, टूटकर बाहर निकल गया है। छोटा वाला जो कॉलर होता है हमारा बियरिंग का, वो कॉलर हमारा टूटकर बाहर निकल आया है, जब भी हमने उसको बाहर निकालने की कोशिश किए थे, ओके। तो इसको बाहर निकालेंगे कैसे भाई, ये जो टूटा हुआ बियरिंग बाहर निकालने का जो हमारा टेक्निक है, इसी टेक्निक के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं अपने चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूँ, अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है उसको भी देख ले चैनल पेज पर विज़िट करके, और सिर्फ वही वीडियो नहीं, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर दिया गया है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ जाके एक बार चैनल पेज पर विज़िट कीजिए, ताकि हो सके भाई, क्योंकि आपको इस चैनल से भी कुछ मदद मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, बियरिंग को कैसे बाहर निकालेंगे, देखिए, जैसे गोलियों को पहले हमने सजाया था रोलर के ऊपर, बियरिंग के कॉलर के ऊपर, उसी तरीके से आप लोगों को भी सजा लेना है, और ऐसे करके
स्क्रू ड्राइवर या कुछ भी भाई चीज़ की मदद से ऐसे आमने सामने इसको फैला लेना है। ठीक है, तो देखिए अभी हम कोशिश किए लेकिन बियरिंग हमारा कॉलर बाहर नहीं निकला। इसमें कुल मिला के भाई 9 गोलियाँ डालना पड़ा। वीडियो को कट कर चुका हूँ मैं, क्योंकि अगर ये वीडियो भाई उतना लंबा खींचता मैं लगभग आधा घंटे से ऊपर लगा है एक बियरिंग को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तब जाके ये बियरिंग बाहर निकला है और इसमें कुल मिला के टोटल 9 गोलियाँ डाला गया है, इसी वजह से ये बियरिंग बाहर निकला है। अगर ये ऐसे नहीं निकलता, ये किसी इलेक्ट्रिक वेल्डर के पास जाके इसको दूसरे तरीके से भाई बाहर निकलना पड़ता। तो देखिए बियरिंग हमारा नया वाला जो बियरिंग है उसको इंस्टॉल कर चुके हैं, और आपको ध्यान रखना है बियरिंग के दोनों साइड में कवर होना चाहिए, या तो डबल जेड होना चाहिए या डबल आर एस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेन जो भाई बात है इधर ऑयल सील, ये ऑयल सील को कैसे लगाएंगे। बहुत सारे भाई लीकेज के प्रॉब्लम लेकर बाइक स्कूटर हमारा आए थे इधर, हमने सही भी किए है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस बियरिंग को जब भी चेंज करते हैं तब जाके क्या करता है, ये जो ऑयल सील हमारा होता है ये पूरा बियरिंग के बगल में डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, सेम सेम करके मैंने जैसे दिखा रहा हूँ ऐसे आपको डालना है ऑयल सील को। भाई एक जरा सी भी लीकेज इधर से नहीं होगा, गारंटी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए आपको करीब से भी दिखाएंगे, ये देखिए बीच में भाई इसका गैप है। ठीक है, ऑयल सील ऐसा ही रहना देन लगाना है आप लोगों को। ओके, तो ऑयल सील को ऐसे डाल देंगे और जो शाफ्ट है गियर चैम्बर को गैस्केट लगा के हम इंस्टॉल कर देंगे, तो ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो में दिया गया जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जाते जाते भाई चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। और मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक सब स्वस्थ रहना, खुश रहना, अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।